सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मदरसों को लेकर दो फैसले दिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी मदरसों को बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR ने 7 जून और 25 जून को राज्यों को इससे संबंधित सिफारिश की थी। केंद्र ने इसका समर्थन करते हुए राज्यों से इस पर एक्शन लेने को कहा था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के उस आदेश पर भी रोक लगाई जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करना था। इसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम स्टूडेंट शामिल हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पावदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें बेंच ने केंद्र सरकार, NCPCR और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। बेंच ने कहा कि ये रोक अंतरिम है, जब तक मामले पर फैसला नहीं आ जाता तब तक राज्य मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। बेंच ने जमीयत उलेमा ए हिंद को उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के अलावा अन्य राज्यों को भी याचिका में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी।